अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट वर्ल्ड बिनती अली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक DIY वॉल डेकोरेशन, जिसके लिए मैंने थर्मल पॉट शीट पे कुछ अल्फाबेट्स काटे हैं और एक न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपने पास काट के रख लिया है। उसके अब किसी और अल्फाबेट पे लगाते हैं ना, ये तो डन हो गया। ठीक है, बहुत ही शोर शराबे और मस्ती के बाद मैंने फाइनली तमाम लेटर्स को न्यूज़पेपर के साथ इसे कवर कर दिया और इसमें नूर ने मेरी बहुत हेल्प की है। उसके बाद मुझे चाहिए एक पेपर टेप। पेपर टेप मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी आउटर साइड बहुत नीट चाहिए थी, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी एक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए मैंने तमाम लेटर्स को चारों तरफ से एक पेपर टेप के साथ कवर कर दिया है। तो जनाब, तमाम लेटर्स की आउटलाइन हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मुझे चाहिए रफ शीट या कोई भी न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एक्रेलिक का जेट ब्लैक कलर, जिसे मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स किया है और वन बाय वन मैं तमाम लेटर्स को पेंट करती जाऊँगी। पेंटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कीप स्माइलिंग का ब्रश नंबर 8, जिसे फ्लैट ब्रश है और इसे इजीली पेंट कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद तमाम लेटर्स मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए थे। जब तक ये पूरे ड्राई नहीं होंगे तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो जनाब, लेटर्स ड्राई हो जाने के बाद हम इसे करेंगे असेंबल। मुझे ये जिस वॉल पे पेस्ट करने थे वहाँ पे मैंने इसे ऑरेंज, येलो, वाइट और गोल्डन कलर को मिक्स करके एक नई शेड बनाई और उसे वॉल पेंट कर लेने के बाद मैंने कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वॉल पे ड्रा किया और मुझे ये कम्बिनेशन सिर्फ ब्लैक में चाहिए था, इसलिए मैंने जस्ट ब्लैक के साथ ही इसे फिलअप किया। जहाँ मैंने नेम को पेस्ट किया था, नेम पेस्ट करने के बाद उसके अपर एरिया पर मैंने अपनी पेंटिंग का स्केच ड्रा कर रही हूँ। ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद थी और काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि इसे किस कलर कम्बिनेशन के साथ बनाया जाए। आखिर मैंने इसे डिसाइड किया और बनाया। ये पूरी वॉल बनाने में मुझे तकरीबन 1-1.5 दिन लगा। कोई ज़्यादा मुशक्क़त नहीं थी, बहुत शॉर्टकट चीज़ें थी। अगर आप A1 सेटिंग में बनाना चाहें तब भी ये बन सकती है। कलर कम्बिनेशन देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वॉल कैसी बनने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मस्ट लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स।